Good morning, students. Today we will start our next unit, that is climate. And the first chapter of this unit is composition and structure of the atmosphere, that is chapter 8 of your part A. Composition and structure of atmosphere. सबसे पहले इसमें एटमोस्फेयर होता क्या है? What do you mean by atmosphere? अगर हम इसमें स्टार्टिंग से लेकर चलें तो जैसे हमने किया था इंटीरियर ऑफ द अर्थ जब हमने पढ़ा था कि जो हमारी अर्थ है वो टॉप से लेकर बॉटम तक कंसेंट्रिक लेयर्स की फॉर्म में है, ठीक है। तो इंटीरियर के बारे में हमने जाना था कि वहां पर हमें थ्री टाइप्स ऑफ लेयर्स मिलती हैं अकॉर्डिंग टू द मटेरियल। ऐसे ही जो हमारा अर्थ है, सपोज ये हमारी अर्थ है, इस अर्थ को चारों ओर से एक इस अर्थ को एक एनवलप टाइप में घेरा हुआ है, ठीक है। ये एनवलप किस चीज का है? एयर का। तो अर्थ के चारों ओर हमें क्या मिलता है? एक एक्सपेंशन मिलता है एयर का, ठीक है। इस एयर एक्सपेंशन को हम क्या कहते हैं? एटमोस्फेयर। सो द वास्ट एक्सपेंस ऑफ एयर विच एनवॉल्व्स द अर्थ ऑल राउंड इज कॉल्ड एटमोस्फेयर। यू कैन राइट द डेफिनेशन ऑफ दिस। द वास्ट एक्सपेंस ऑफ एयर विच envelops the earth all round is called atmosphere। सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि एटमोस्फेयर क्या है। तो हमने जब कोर क्रस्ट और मेंटल की बात की थी तो वो अर्थ के अंदर का एरिया था। एटमोस्फेयर क्या है? अर्थ के बाहर का एरिया है जो एयर से बना है और इसको चारों ओर से घेरे रखता है। अब क्वेश्चन ये रेज होता है कि ये एयर जो है वो अर्थ के साथ कैसे जुड़ी रहती है? अर्थ के साथ ये एयर का एक्सपेंशन कैसे जो है कनेक्टेड रहता है? इट इज ड्यू टू द, ये एयर एक्सपेंशन किसके कारण है? ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण ये जो एयर है वो अर्थ के साथ बनी रहती है, ठीक है। इसके बारे में हम सेकंड चैप्टर में बहुत कुछ पढ़ चुके हैं कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसके कारण जो है पार्टिकल्स पास आए और ये सब। तो यहाँ पर भी एयर जो एक्सपेंड है अर्थ के अराउंड वो किसके कारण है? ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण। और इसी ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण हम भी अर्थ पर स्टेबल रहते हैं, जबकि अर्थ हमारी क्या करती है? रिवॉल्व करती है अपने एक्सिस पर भी और सन के अराउंड भी ऑर्बिट करती है, बट हम तो उसके साथ गिरते नहीं है ना। क्यों? क्योंकि ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो हम क्या रहते हैं? अर्थ पर स्टेबल रहते हैं। सिमिलरली एयर भी जो है वो अर्थ के साथ जुड़ी रहती है ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स। अब नो डाउट कि जो हमारा एटमोस्फेयर है या ये एयर है दैट इज वेरी नेसेसरी फॉर आवर सर्वाइवल। वी कैन लिव विदाउट फूड, विदाउट वॉटर फॉर सम डेज, बट वी कांट लिव विदाउट एयर इवन फ्यू मिनट्स। अगर कुछ मिनट के लिए भी हमारी सांस रोक दी जाए, हमें ना ब्रीथिंग लेने दिए जाए तो हम जिंदा नहीं रह सकते। सो एयर इज वेरी एसेंशियल फॉर आवर सर्वाइवल। अब जितना भी जो हमारा एटमोस्फेयर है, ये एटमोस्फेयर जो है इसके बारे में हम पढ़ेंगे दो चीजें। क्या चीजें? कि एक तो हमने कहा कॉम्पोजिशन मीन्स कि हमारा एटमोस्फेयर किन किन चीजों से मिलकर बना है। वी कैन से दैट एलिमेंट्स, किन एलिमेंट से मिलकर हमारा एटमोस्फेयर बना है। दूसरी चीज हम इसमें स्टडी करेंगे स्ट्रक्चर। आप लोग बहुत बार कंफ्यूज होते हो जब आपको क्वेश्चन दिया जाता है कॉम्पोजिशन पर या स्ट्रक्चर पर। Sometimes you write composition in the structure and structure in the composition. Composition का मतलब किसी चीज को compose होना, बनना।
वो किन चीजों से बनी है, तो वहां पर आपको उसके एलिमेंट्स लिखने हैं। और स्ट्रक्चर का मतलब है कि उसका स्ट्रक्चर कैसा है, किस तरीके का दिखता है, सॉलिड दिखता है या फिर वो हमें स्क्वायर शेप में दिखता है, हमें एक ही लेयर के रूप में दिखता है, किस तरीके का स्ट्रक्चर है। तो यहाँ पर हम इसके जो है फॉर्मेशन कैसी है इसकी, उसके फॉर्मेशन के बारे में पढ़ेंगे। क्लियर है इतना? कॉम्पोजिशन मीन्स एलिमेंट किन किन चीजों से मिलकर बना है, यहाँ हम देखेंगे किस टाइप की फॉर्मेशन हुई है स्ट्रक्चर में। तो ये दो चीजें हम देखेंगे। अब इसमें हम एक और चीज देखते हैं कि जितना भी हमारा टोटल एटमोस्फेयर है उसका 99% जो पार्ट है वो 32 किलोमीटर तक हमें दिखाई देता है। जबकि हम इसके स्ट्रक्चर के बारे में जब हम डिटेल में पढ़ेंगे तो देखेंगे कि हमारे इसके डिफरेंट लेयर्स है, डिफरेंट हाइट पर डिफरेंट लेयर्स हमें मिलती है, बट जो मैक्सिमम एलिमेंट्स का कंस्ट्रक्शन है वो कंसंट्रेशन है वो हमें कहाँ तक मिलता है, 32 किलोमीटर तक। अब ये जो एयर है, एयर से क्या होता है कि ये जो एयर है वो ना तो इसका कोई कलर है, इट इज कलरलेस, कोई कलर नहीं होता। हवा ब्लो कर रही है तो आपको पता लगेगा, अदरवाइज आपको कोई कलर यहाँ पर नहीं दिखाई देगा। इसी तरीके से ये एक ऑडरलेस भी होती है, कोई गंध नहीं होती इसकी, कोई सुगंध नहीं होती, और इसी तरीके से इसका टेस्टलेस यानी कोई टेस्ट भी नहीं होता। तो जब इसका ना कोई कलर है, ना कोई इसकी स्मेल है और ना ही इसका टेस्ट है, तो हम कैसे महसूस करते हैं कि एयर है, वो हमें कब महसूस होती है, व्हेन इट ब्लोस, व्हेन इट ब्लोस, जब ये चलती है इन द फॉर्म ऑफ विंड, जब हवा चलती है, एयर जो है वो स्टैटिक है, बट जब इसको ये हम डिफरेंट रीजंस इसके नेक्स्ट चैप्टर में करेंगे, बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे, प्रेशर जो डिफरेंसेस के कारण एयर जो है ब्लो करना शुरू करती है, उस ब्लोइंग एयर को हम क्या कहते हैं, विंड। यहाँ एयर और विंड में भी आपको डिफरेंस समझ आ गया होगा कि एयर जो है वो हमारा एक स्टैटिक कंसेप्ट है, बट जब ये ब्लो करना शुरू करती है तो उसको हम क्या कहते हैं, विंड। और जब ये विंड के रूप में चलती है तब उसे हम क्या करते हैं, फील करते हैं, और हमें पता लगता है कि यहाँ पर एयर है। तो सबसे पहले आते हैं हम अपने फर्स्ट कंसेप्ट पर, दैट इज कॉम्पोजिशन। कॉम्पोजिशन के बारे में हम देखेंगे कि एयर जो हमें जो एटमोस्फेयर है वो हमारा किन किन चीजों से कंपोज हुआ हुआ है। फर्स्ट है कॉम्पोजिशन, क्या क्या एलिमेंट्स हैं जो हमें एयर में मिलते हैं। अब आपने बिग बैंग थ्योरी पढ़ा था, हम वापस से उसी कंसेप्ट पे आते हैं, सब कुछ वहीं से रिलेटेड है। बिग बैंग थ्योरी में आपने पढ़ा था कि जब बिग बैंग हुआ, व्हेन द बिग बैंग टुक प्लेस, मेनी ऑफ गैसेस इजेक्टेड, जो उस टाइम क्या निकली थी, गैसेस। फिर जब कहीं ब्लास्टिंग होगी तो उससे क्या निकलेंगे, डस्ट पार्टिकल्स भी निकलेंगे, ठीक है। तो डस्ट पार्टिकल्स भी आए, ऐसे ही हमने जब देखा कि वॉल्केनिक इरप्शन, जब हमारे अर्थ की फॉर्मेशन हो रही थी, तो उस टाइम जब हमने देखा था कि जो हमारा एटमोस्फेयर है उसमें इनिशियल स्टेज में क्या थी, गैसेस। फिर जब नीचे का पार्ट ठंडा होना शुरू हुआ तो उसमें क्या आना शुरू हुए, वाटर वेपर्स भी आए। वाटर वेपर्स आने के कारण हमारे क्या हुए थे, प्रेसिपिटेशन हुआ था, है ना। तो वाटर वेपर्स भी आए, वाटर वेपर्स आए तो साथ साथ वहां पर उस टाइम क्या हो रहा था, वॉल्केनिक इरप्शन भी हो रहा था, तो डस्ट पार्टिकल्स भी आए। तो इट मींस हमारा जो एटमोस्फेयर है उसमें हमारी तीनों चीजें मिलती हैं, गैसेस, डस्ट पार्टिकल्स और वाटर वेपर्स। दीज आर द थ्री एलिमेंट्स ऑफ द एटमोस्फेयर। ये डिफरेंट एलिमेंट्स हैं जो हमारे एटमोस्फेयर को कंपोज करते हैं, डस्ट पार्टिकल्स, गैसेस एंड वाटर वेपर्स। अब गैसेस की अगर हम बात करें तो गैसेस का जो है मैक्सिमम हम में जो कंसंट्रेशन है, सबसे पहले आते हैं हम गैसेस पर। आवर एटमोस्फेयर इज कंपोज ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ गैसेस। इनिशियली इन द फर्स्ट स्टेज देयर वाज ओनली टू गैसेस, हाइड्रोजन एंड हीलियम।
बट लेटर ऑन इन द नेक्स्ट टू एक्सटेंसिव स्टेजेस इन द डिफरेंट टाइप ऑफ गैसेज ऑल्सो इंक्लूड इन द एटमोसफेयर. वी ऑलरेडी रीड इट इन अवर प्रीवियस चैप्टर्स. तो गैसेज जो है इनमें सबसे ज्यादा कंसेंट्रेशन हमें अब मिलता है एट प्रेजेंट एटमोसफेयर में नाइट्रोजन का. नाइट्रोजन जो है वो हमें हाईएस्ट अमाउंट में मिलती है, दैट इज 78.08%. सेकेंड नंबर जो आता है दैट इज ऑक्सीजन. ऑक्सीजन विच इज कंसिडर्ड एज अ लाइफ गिविंग गैस. ठीक है, तो ये जो कंसेंट्रेशन है वो है 20.94%. ठीक, अब ये दोनों ही जो है अगर हम इनका टोटल करें तो ये दोनों मिलकर कितना एटमोसफेयर का बनाती है, 99%. यानी हमारे एटमोसफेयर में 99% जो गैसेस है दैट इज ऑक्सीजन. रेस्ट ऑफ द 1% इज कॉन्स्टिट्यूट विद द कार्बन डाइऑक्साइड, CO2. 1% किस किस में डिवाइडेड है, CO2, आर्गन, AR, आर्गन, नियॉन, हीलियम, नियॉन, हीलियम. इसके बाद आ जाता है हमारा ओजोन, O3, हाइड्रोजन, H, मीथेन, CH4, और इस बार क्राइक्लोन बहुत ही स्मॉल अमाउंट में इसको ट्रेस किया गया, दैट इज KR, साइंटिफिक नेम हम लिख रहे हैं, और नियॉन XE. ये बाकी सभी गैसेस जो हैं वो मिलकर कितना परसेंट बनाती हैं, 1%. कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन, नियॉन, हीलियम, ओजोन, हाइड्रोजन, मिथेन, क्रिप्टॉन और क्सनॉन. तो ये जो है हमारी 1% बनाती है. अब इन डिफरेंट टाइप ऑफ इनमें से जो हमारी मेन इंपॉर्टेंट गैसेस है उनके बारे में हम देखेंगे. आपको ये 3 मार्क्स में भी क्वेश्चन आ सकता है, 5 मार्क्स में भी टोटल क्वेश्चन आ सकता है. ठीक है, 3 मार्क्स में आपको एक एक गैस के बारे में भी इंडिविजुअली पूछा जा सकता है. तो सबसे पहले आता है हमारा नाइट्रोजन. अब नाइट्रोजन मैंने आपको कहा इट इज ऑफ 78.08%. ठीक है, 78.08% जो है ये वॉल्यूम कंसिस्ट करती है हमारे एटमोसफेयर में. सो इट इज, इट हैज अ फर्स्ट आ गया इसमें लार्जेस्ट प्रोपोर्शन में हमें ये गैस मिलती है. ठीक है, अब इनकी करेक्टरिस्टिक्स करेंगे हम गैसेस की कि क्यों ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है. दूसरी चीज कि जितने भी हमारे एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, विंड्स हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो गया, विंड्स हो गया, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है, इट इज ऑल अबाउट ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ नाइट्रोजन. एटमोस्फेरिक प्रेशर, विंड्स, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, इन सब की इंपॉर्टेंस हम इनके जो सक्सेसिव चैप्टर है इस यूनिट के उसमें देखेंगे कि अगर एटमोस्फेरिक प्रेशर में हमारे डिफरेंसेस नहीं आएगा तो विंड ब्लो नहीं होगी. विंड ब्लो नहीं होगी तो प्रेसिपिटेशन और ये सारी चीजें जो है वो नहीं होंगी. तो ये सारे जो इवेंट्स हैं वो किसके कारण होते हैं, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ नाइट्रोजन. अब ये जो नाइट्रोजन है इट हैज नो कलर, as we discussed earlier, no color, no taste, no odor. इसका भी कोई taste नहीं, कोई color नहीं, कोई odor नहीं है. Nextly, it regulates, the consumption. Sorry, combustion. It regulates the combustion. Combustion means जलना.
तो ये जो जलने की प्रक्रिया है उसको क्या करती है, रोकती है। अगर नाइट्रोजन की प्रोसेस सॉरी नाइट्रोजन का प्रेजेंस ना हो हमारे एटमॉस्फेयर में, तो यहाँ पर चीजों को जलने से रोकना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। तो ये जो है वो क्या करती है, कंबशन को रेगुलेट करती है। बट इट कैन नॉट एंटर इजिली विथ अदर केमिकल्स। ये बाकी जो केमिकल्स हैं उनके साथ जो है वो मिक्स नहीं हो पाती, ठीक है। तो इसके कारण इसका जो प्रेजेंस है वो किसके कारण होता है, आफ्टर द फिक्सेशन इन द सॉयल। सॉयल में फिक्सेशन के रूप में ये हमें मिलती है। अब इसके बारे में हमने किया था कि सॉयल में इसका फिक्सेशन कौन करता है, प्लांट्स, ठीक है, और बैक्टीरिया। तो इट मीन्स जो सॉयल फिक्सेशन है उसके बाद जो नाइट्रोजन जो है वो क्या होती है, हमारी फिक्स होती है और वो नाइट्रेट के रूप में हमें मिलती है। और जिसके कारण क्या मिलता है, प्रोटीन। जब ये सॉयल में फिक्स होती है तो इट जनरेट्स प्रोटीन विच इज द रिच सोर्स ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक है, तो यहाँ हमारे जो मेन सोर्स है फूड में न्यूट्रिशन है, उसका रिच सोर्स रहता है प्रोटीन, जो हमें किससे मिलता है, नाइट्रोजन में, आफ्टर द फिक्सेशन इन द सॉयल। और ये गैस जो है वो हमें कहाँ तक मिलती है, इट फाइंड्स अप टू 128 किलोमीटर। इसकी प्रेजेंस मिलती है हमें एटमोस्फेयर में 128 किलोमीटर। सो दिस इज ऑल अबाउट द नाइट्रोजन गैस। नाउ द नेक्स्ट गैस इज ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के बारे में काफी कुछ आप लोग जानते भी हो, ठीक है। तो सेकेंड हमारी गैस है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कॉन्स्टिट्यूट्स 20.94% एंड द सेकेंड लार्जेस्ट वॉल्यूम इन द एटमोस्फेयर। 20.94% जो है इसका हमें कंसंट्रेशन जो है किसका मिलता है, ऑक्सीजन का। इट इज कंसीडर्ड एज अ लाइफ गिवर गैस। इसको हम लाइफ गिवर भी कहते हैं बिकॉज इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन वी कांट ब्रेथ। फॉर द ह्यूमन बींग्स ऑक्सीजन इज वेरी एसेंशियल फॉर ब्रेथिंग और फॉर देयर सर्वाइवल। सो इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, लाइफ गिवर गैस भी कहते हैं। इट कैन easily easily enter with all elements। बाकी जो केमिकल एलिमेंट्स हैं उनके साथ ये इजिली एंटर कर लेती है, यानी उनके साथ इसके अलग अच्छे से बाउंडिंग हो सकती है। और ये जो है वो क्या करती है, इट हेल्प्स इन कंबशन। जो फायर वर्क है वो किसके कारण होता है, ड्यू टू द ऑक्सीजन। ऑक्सीजन गैस अगर हम देखें तो प्रेजेंस जो है वो ब्रेथिंग के लिए बहुत जरूरी है, इसकी प्रेजेंस जो है साथ में फायर वर्क्स के लिए भी बहुत जरूरी है। जो कंबशन प्रोसेस है वो ऑक्सीजन की ही प्रेजेंस में होता है, जबकि नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो कंबशन को खत्म करती है। तो यहाँ पर ये एक इसका पॉजिटिव भी है और नेगेटिव पॉइंट भी रहता है कंबशन का। इट हेल्प्स इन द बर्निंग ऑफ फ्यूल, सो इट इज अ मेन सोर्स ऑफ एनर्जी। तो यहाँ पर ये जो है फ्यूल बर्निंग में हमें हेल्प करती है और इसलिए ये मेन सोर्स कहलाती है एनर्जी का। तो जो भी इंडस्ट्रियल हमारा डेवलपमेंट हो रहा है या हम फ्यूल जो है यूज करते हैं व्हीकल्स में और ऑल दैट, तो वो किसके कारण पॉसिबल होता है, ऑक्सीजन के कारण पॉसिबल होता है। ऑक्सीजन जो है इसके हमें कंसंट्रेशन जो है मैक्सिमम कहाँ तक मिलती है, 16 किलोमीटर तक मिलती है।
16 किलोमीटर तक जो है इसकी हमें जो कंसंट्रेशन मिलती है, इसी का जो एक फॉर्म है उसके बाद 120 किलोमीटर तक, 120 किलोमीटर के बाद जो है ये हमें बिल्कुल नेग्लिजिबल क्वांटिटी में मिलती है, यानी ना के बराबर क्वांटिटी में मिलती है। तो मैक्सिमम कंसंट्रेशन ऑक्सीजन का कहाँ तक रहता है, 16 किलोमीटर तक रहता है। नाउ कम टू द थर्ड मेन इम्पोर्टेंट गैस, दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड CO2। अब यहाँ पर हमने कहा कि ऑक्सीजन जो है वो किसके लिए इम्पोर्टेंट है, ह्यूमन बींग्स के लिए फॉर ब्रीथिंग, ठीक है। नेक्स्ट हमारी थर्ड जो है वो गैस है कार्बन डाइऑक्साइड। इट इज वेरी एसेंशियल फॉर द प्लांट्स एंड इट कॉन्स्टिट्यूट ओनली 0.03% ऑफ द टोटल एटमोस्फेयर वॉल्यूम। अब कार्बन डाइऑक्साइड के हमें जो है क्या फायदे नजर आते हैं, अब यहाँ पर ये जो गैस है दैट इज हैवियर गैस। अब हैवियर गैस होने के कारण इट इज फाउंड इन लोअर लेयर्स, तो हमें जो है लोअर लेयर्स में ही इसका कंसंट्रेशन मिलता है बिकॉज इट इज अ हैवियर गैस। सेकेंड, इट इज इम्पोर्टेंट फॉर द फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस आप जानते हैं कि जिसमें जो प्लांट्स हैं वो अपना फूड प्रिपेयर करते हैं और जिससे कि जो प्लांट्स की ग्रोथ होती है और बाद में बाकी सारी जो लाइफ है वो उन पर डिपेंड करती है। थर्डली जो कार्बन डाइऑक्साइड वर्क करती है वो क्या करती है, एक दो टर्म हम पढ़ेंगे। एक टर्म है आपका इंसुलेशन, पहले आप इसको समझ लो। एक टर्म है इंसुलेशन और दूसरा है टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। टेरेस्ट्रियल रेडिएशन, ठीक है, इन इनका मतलब आना। तो इसका मतलब जब ये सन से जो है एनर्जी नीचे आ रही है, ठीक है, यहाँ पर हमारा अर्थ है तो यहाँ पर सन से एनर्जी जो नीचे आ रही है दैट इज इंसुलेशन। अब एक चीज यहाँ पर मैं आपको क्लियर कर दूं कि इंसुलेशन, जैसे सन से एनर्जी का अमाउंट हमारे अर्थ पर आता है, डेली आता है ना, तो इसका मतलब डेली अर्थ इतना एनर्जी रिसीव करती है, इतना हीट रिसीव करती है, तो अर्थ पर तो एनर्जी एक्स्ट्रा हो जानी चाहिए थी, हम लोग रह ही नहीं पाते, लेकिन ऐसा नहीं होता। नेचर जो है वो हर चीज को बैलेंस करके रखती है, जितना इनकमिंग सोलर रेडिएशन होता है उतना ही आउटगोइंग सोलर रेडिएशन भी होता है अर्थ से। तो यहाँ पर ये हमारी अर्थ है, एट द नाइट टाइम में जो है यहाँ से जो एनर्जी है वो बैक जाती है एटमोस्फेयर में। जितनी एनर्जी जो है वो अर्थ रिसीव करती है डे टाइम में उतनी ही एनर्जी रात को वापस एटमोस्फेयर में जाती है। अब ये वापस जाती हुई एनर्जी हमारी क्या कहलाती है, टेरेस्ट्रियल रेडिएशन, ठीक है। तो दो टर्म हमारे अगले चैप्टर्स में भी आपको जो है इसका यूज आएगा, इंसुलेशन एंड टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। अब कार्बन डाइऑक्साइड इसमें कैसे हेल्प करती है, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो क्या करती है, इनकमिंग सोलर रेडिएशन को आने देती है। इट अलाउज इंसुलेशन, ये जो है इनकमिंग सोलर रेडिएशन को आने देती है, बट रिस्ट्रिक्ट टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। अब देखो कि क्या है कि बैलेंस कब बना रहेगा, जब जितनी एनर्जी आ रही है और जितनी एनर्जी उतनी एनर्जी वापस जा रही है, लेकिन यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड क्या करती है, ये इंसुलेशन को तो अर्थ पर आने देती है बट टेरेस्ट्रियल रेडिएशन को नहीं जाने देती। अब इससे क्या होगा, जब वापिस नहीं जाएगी एनर्जी तो क्या हो जाएगा, इट इंक्रीजेस द टेम्परेचर। और दूसरी गैसेस के साथ मिलकर इट कॉजेज द ग्रीन हाउस इफेक्ट। हम पढ़ते हैं ना कि
सुनते भी रहते हैं कि एटमॉस्फेयर में जो है CO2 का कंसंट्रेशन बढ़ रहा है, इसे हमें रोकना चाहिए, व्हीकल्स को जो है हमें कम यूज करना चाहिए, फ्यूल बर्निंग कम करनी चाहिए, इंडस्ट्रियल वेस्ट जो है नहीं होना चाहिए, इंडस्ट्रियल से स्मोक नहीं होना चाहिए, बिकॉज इट इंक्रीजेस द ग्रीन हाउस इफेक्ट ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एक्स्ट्रा प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. द रीजन बिहाइंड इट इज That it allows insulation but restrict terrestrial radiation, जिससे हमारी अर्थ का टेम्परेचर क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है और बैलेंस जो है क्या हो जाता है, इनबैलेंस में कन्वर्ट हो जाता है, जिससे क्या आता है, ग्रीन हाउस इफेक्ट आता है. ठीक है, अब इससे जो हमारे 20th सेंचुरी में जितनी भी प्रॉब्लम्स आ रही है एटमोसफेयर को लेकर, इट इज ड्यू टू द इंक्रीज इन द कार्बन डाइऑक्साइड. नेक्स्ट गैस इज हाइड्रोजन. हाइड्रोजन जो है वो हमारी क्या है, स्टार्टिंग की गैस है. इनिशियल स्टेज में हाइड्रोजन जो है वो बिग बैंग टाइम पे जो है इजेक्ट हुई थी, बट जब दूसरी गैसेस हैवियर गैसेस आ गई तो उन्होंने एटमॉस्फेयर में नीचे का एरिया जो है प्लेस ले लिया और हाइड्रोजन जो है वो अपर एटमॉस्फेयर में चले गए, क्योंकि इट इज अ लाइट गैस. ये बहुत ही लाइट वेट गैस है. लाइट वेट गैस होने के कारण इसका कंसंट्रेशन हमें 1100 किलोमीटर तक इसका हमें कंसंट्रेशन मिलता है इसका, और इसका जो अमाउंट है दैट इज ओनली 0.01% इन द एटमॉस्फेयर. नेक्स्ट गैस है आपकी ओजोन. ओजोन जो है वो बहुत ही स्मॉल प्रोपोर्शन में हमें एटमॉस्फेयर में मिलती है. ओजोन जो है इट इज अ फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन. ओटू की ही फॉर्म है जो हमें किसकी फॉर्म में मिलती है, O3 की फॉर्म में, और इसका जो कंसंट्रेशन है वो हमें बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी में मिलता है, बट इट इज वेरी एसेंशियल बिकॉज इट अब्सॉर्ब्स यूवी रेज ऑफ सन. जो अल्ट्रावायलेट रेज आती हैं सन से, जो हमारे यहाँ की हीट को और एक्सेस कर सकती है, और यहाँ पर मैनी डिसीजेस का जो है वो दैट कुड बी कॉज टू मैनी डिसीजेस. सो इट अब्सॉर्ब दैट हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज एंड प्रिजर्व आवर अर्थ. तो यहाँ इसका जो कंसंट्रेशन है इसे ये हमें मिलता है 20 to 25 किलोमीटर तक जो है वो हमें ओजोन लेयर का कंसंट्रेशन मिलता है. क्लियर है, इतना ये हुआ हमारा गैसेस का. अभी कंपोजिशन में हमें तीन चीजें इंक्लूड करनी है, दैट इज फर्स्ट इज गैसेस, दूसरा था हमारा वाटर वेपर्स और थर्ड था डस्ट पार्टिकल्स. तो ये तीनों को मिलाकर हमारे क्या बनते हैं, एटमॉस्फेयर का कंपोजिशन, जिसमें से हमने जो मेन इंपॉर्टेंट गैसेस है उसको डिस्कस कर लिया. नाउ कम टू द वाटर वेपर. वाटर वेपर जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, इवन गैसेस से ज्यादा इंपॉर्टेंट है वाटर वेपर एटमोस्फेयर में. सो नेक्स्ट हमारा है वाटर वेपर. गैसेस से ज्यादा इंपॉर्टेंट प्लेस हमारा एटमॉस्फेयर में वाटर वेपर का रहता है, क्योंकि जो इसका वाटर वेपर का अमाउंट एवरेज अगर हम अमाउंट तो हम ले इसका एवरेज अमाउंट ओवरऑल ओवर द अर्थ तो इसका हमें 2% मिलता है, बट इट वेरीज फ्रॉम 4% to 1%. प्लेस टू प्लेस ये वेरी भी करता है 4% to 1%. ठीक है, जैसे कि हमारे जो वार्म और वेट ट्रॉपिक्स है, वार्म और वेट ट्रॉपिक्स, उनमें हमें इनका कंसंट्रेशन कितना मिलता है, 4%. और जितना भी हमारे ड्राई एंड कोल्ड एरियाज हैं वहां पर ये हमें कितने कंसंट्रेशन में मिलती है, 1% में. सो एवरेज जो इसका अमाउंट है 2% है, बट इट वेरीज फ्रॉम 4% to 1%.
from warm or wet tropics to tropics to dry and cold areas. अब इसकी जो concentration है वो हमें यहाँ पर latitudinal wise तो हमने देखा ही, इसके साथ साथ altitudinal wise भी जो है हमें difference देखने को मिलता है. Altitudinal wise means जैसे जैसे हम height पर जाएंगे इसका concentration क्या होता जाएगा, कम होता चला जाएगा. तो 2000 meters की height से नीचे जो है वो हमें half of the जो water vapor है, ये means 50% जो water vapor है वो हमें कहाँ मिलते हैं, below 2000 meter. ठीक है, अब ये ट्रॉपिक्स वाइज भी डिफर करते हैं, अल्टीट्यूडनल वाइज भी जो है ये डिफर करते हैं. अब इसके साथ साथ ये जो है जो हमारा इक्वेटोरियल रीजन है, इक्वेटोरियल रीजन में हमें इनका अमाउंट कम मिलता है, लेस अमाउंट में मिलते हैं. जबकि हमारे जो टेम्परेट रीजन है, टेम्परेट और ट्रॉपिक रीजन है, वहां पर इनका अमाउंट हमें ज्यादा मिलता है. सो इट डिफर्स फ्रॉम रीजन टू रीजन, अल्टीट्यूडनल वाइज एंड लैटिट्यूडनल वाइज. अब इनका जो मेन बेनिफिट है वो हमें कैसा मिलता है, जैसे जैसे हम मैंने कहा इक्वेटर से हम फॉरवर्ड जाएंगे इनका कंसंट्रेशन कम होता जाएगा वाटर वेपर का, क्योंकि वहां पर कोल्ड एरियाज आता रहेगा. अब वाटर वेपर क्या करते हैं, वाटर वेपर जो है वो इंसुलेशन को एब्सॉर्ब कर लेते हैं. अब जैसे वाटर वेपर मीन्स की जैसे अब क्लाउडी सीजन चल रहा है ना, तो क्लाउडी सीजन में सन हीट नीचे नहीं आती ना, ज्यादा कम हो जाती है ना, थोड़ी हमें कहीं राहत मिलती है. सो इट एब्सॉर्ब्स इंसुलेशन, तो इंसुलेशन को ये एब्सॉर्ब कर लेते हैं, तो सन हीट को क्या कर देते हैं, ये कम कर देते हैं. और इस तरीके से ये हमारे हार्ड सरफेस पर It reduces the sun's heat. The sun की heat पहुंचती है अर्थ पर, उससे क्या हो जाती है, कम हो जाती है. So it lies but like a blanket. तो यहाँ पर जो ये एक किसकी तरह act करते हैं, it acts like a blanket. Like a blanket means कि इंसुलेशन को ये आने नहीं देते और टेरेस्ट्रियल रेडिएशन को जाने नहीं देते, कम कर देते हैं. तो इट मीन्स ये एक ब्लैंकेट की तरह जो है वर्क करते हैं, जो इंसुलेशन को भी कम कर देते हैं और टेरेस्ट्रियल रेडिएशन को भी कम कर देते हैं, जिसका रिजल्ट क्या होता है, इट रिजल्ट आवर अर्थ इज नाइदर too cold nor too hot. ना ही बहुत ज्यादा गर्म होती है हमारी अर्थ और ना ही बहुत ज्यादा ठंडी होती है. ये इसका हमें वाटर वेपर का फायदा रहता है. और वाटर वेपर ही जो है वो किसका कारण बनता है, प्रेसिपिटेशन का. तो वाटर वेपर्स का अमाउंट अगर अर्थ एटमोस्फेयर में नहीं होगा तो उसके कारण क्या होगा कि प्रेसिपिटेशन भी नहीं होगा. तो इट हेल्प्स इन प्रेसिपिटेशन. प्रेसिपिटेशन समझते हो ना, मीन्स बारिश किसी भी फॉर्म में, चाहे इस फॉर्म में चाहे वाटर ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में, तो ये हमें प्रेसिपिटेशन में हेल्प करते हैं. इतने टॉपिक में अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है बेटा आप पूछ सकते हैं. नेक्स्ट जो इसका डस्ट पार्टिकल्स रह गया वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे विद द स्ट्रक्चर ऑफ द एटमोस्फेयर. So now you can ask any question if you have any query. If you have any query, you can ask now. Okay, then we are going to leave the meeting. Have a nice day.